ESPN9 News और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार आप तक अपडेट हम पहुंचाते चले जा रहे हैं। आज लोकसभा चुनावों का दूसरा मतदान है। 2019 लोकसभा चुनावों के लिए आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और 95 सीटों पर ये मतदान है। ऐसे में इस खास प्रोग्राम में हम उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के बारे में बात करेंगे जिन पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बयान का असर पड़ा है। बता दें आपको कि बीते दिनों आजम खान ने रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ एक ऐसी घिनौनी बात की थी जिसको हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते। एक ऐसा शर्मनाक बयान दिया था, महिला विरोधी बयान दिया था, जिसके बाद धज्जियां उड़ा दी थी हमारे हिंदुस्तान की, हमारे कल्चर की, जहां हम ये कहते हैं कि हम महिलाओं को पूरा पूरा सम्मान देते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार आजम खान के इस बयान के बाद क्या उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर असर पड़ा है? क्या अमरोहा बुलंदशहर पर इसका असर पड़ा है? क्या यहाँ पर फतेहपुर सीकरी पर इसका असर पड़ा है? ये सारी चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी है। आजम खान इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जया प्रदा बदल गई और उसके बाद जो बयान दिया वो तो वाकई में हैरान कर देने वाला है, एक मूर्खतापूर्ण बयान है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सही नहीं है। इसके बाद आजम खान के बेटे साहब ने कहा, उनके साहबजादे ने कहा कि आजम खान मुसलमान है इसलिए उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, आप किसी महिला की अगर बेइज्जती करेंगे तो फिर ये सही नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आजम खान को क्रिटिसाइज़ करने बैठे हैं। अगर मुस्लिमों के खिलाफ किसी ने हल्ला बोला है तो ESPN9 News ने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। लेकिन सवाल ये है कि आपके इस बयान का असर क्या पड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं आज वोट डालने जा रही हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वो खासा नाराज़ दिखाई दी हैं आजम खान से। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो सपा को वोट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इससे महागठबंधन को बहुत बड़ा लॉस होगा और अगर महागठबंधन को लॉस होता है तो फिर सीधा सीधा फायदा बीजेपी का होगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार आज वोटिंग हो रही है, कहीं पर अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के रायगंज में CPM उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के काफिले पर हमला हुआ है और सुरक्षा बल वहां पर तैनात थे, उसके बाद वो आए और उन्होंने जमकर खदेड़ा भीड़ को। इसके बाद एक और खबर आई है, पश्चिम बंगाल से ही एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव फिर बरामद हुआ है पेड़ पर लटका हुआ। और एक और बड़ी जो खबर आई है वो बुलंदशहर के जो मौजूदा सांसद हैं भोला सिंह साहब, उनको अब किसी भी बूथ पर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो रहा है। जब इस तरह की राजनीति हम देखते हैं, सक्रिय राजनीति हम देखते हैं, तो बड़ा दुख होता है और हम फिर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। जहाँ पर जब आपको पता है कि वोटिंग होनी है वो डल रहे हैं, आप क्यों वहाँ जाकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं? 5 साल में जनता ने आपको दे दिया जितना आशीर्वाद देना है। जनता को दोबारा आशीर्वाद देना होगा तो दोबारा आपको जिता देगी। आपको वहाँ पहुँच के पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, पैर छूकर आप वोट ले लेंगे और उसके बाद आप क्या काम करते हैं इस दुनिया को पता है। अब सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल है आजम खान पे, हम उन पर बात करते हैं। आजम खान ने जिस तरह का महिला विरोधी बयान दिया, पूरे देश ने उनको जो है पूरी तरह से धिक्कार किया उन पर, और उसके बाद जब अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया तो हर कोई हैरान रह गया। ज़्यादातर महिलाएं मेरे ऑफिस में भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भैया अखिलेश यादव ने कैसे उनको सपोर्ट किया। हमारे यहाँ भी माँ बहनें हैं, उन्होंने भी कहा कि भैया अखिलेश यादव ने आजम खान के बयान को सपोर्ट कैसे कर दिया। जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो ये वाकई में एक लोकतंत्र के खिलाफ हम ये कह सकते हैं, क्योंकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबकी माँ बहनें सबकी माँ बहनें होती हैं, और इसके बावजूद जब आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो फिर पब्लिक आपसे नाराज़ होती है और फिर उसका असर पड़ता है लोकसभा चुनावों में। साफ तौर पर पता था आदित्यनाथ योगी पर 72 घंटे का बैन लगा है, मायावती पर लगा है बैन, लेकिन इस तरह की जब बयानबाजी सामने आती है, जब आजम खान कह रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे ने सोने पर सुहागा वाला जो तीर छोड़ा है कि भैया यहाँ पर हम मुसलमान हैं, हमको इसी वजह से ये किया जा रहा है, तो भैया मुसलमान होना गलत नहीं है। वही मुस्लिम वोटर्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी जिताया है और एक समय में कांग्रेस को भी जिताया और एक समय में समाजवादी पार्टी को भी जिताया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मुसलमान होने की कोई बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। ये तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी है कि आप एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं और यहाँ पर लॉ उतने कठिन नहीं है, वरना अगर आप सऊदी अरब में इस तरह की बात बोल के दिखा दीजिए तो हम भी मान लेंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हवाओं का रुख पलट गया है, हवा बदल गई है। क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल ESPN9 News को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।